अभी किसी खूबसूरत लड़की को पटा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, बाकी सभी सिंगल लड़कों पे मुझे तरस आ जाती है। प्यार करने के लिए सब दिल ही क्यों लगाता है, कोई फेफड़ा क्यों नहीं लगाता? जो लड़की मुझे कमेंट बॉक्स में आई लव यू लिखेगी, माता रानी उसे मनचाहा वर देगी। सोच लो, मनचाहा वर चाहिए तो लिख दो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं बीगो बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा यार, तू मुझे बस ये बता दे कि उसका ढक्कन कहाँ मिलेगा। आप लोग फेसबुक पर तो बहुत सारा फालतू का मैसेज देखे ही होंगे जिसमें बोलते हैं कमेंट बॉक्स में नो लिखो और जादू देखो। आज मैं सच में जादू दिखा रहा हूँ, मेरे वीडियो को आप लाइक करो, देखो मैं जादू दिखाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, इस पर मैं सच बता रहा हूँ, फेसबुक नहीं है, सच में मैं जादू दिखाता हूँ, ट्राई करो भाई। पता है सूरज सिंगल है, चांद सिंगल है, मैं सिंगल हूँ, मतलब इस धरती पे जितने भी कीमती चीज है ना वो सारे सिंगल है। कल रात मैंने टूटते हुए तारा से गर्लफ्रेंड मांगी, साला तारा भी वापस आसमान में जाके जुड़ गया। भाई मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ, 100 से ज्यादा लड़कियाँ ब्लॉक कर चुकी है, लेकिन मैं भी अभी तक हिम्मत नहीं आ रही। खूबसूरती और बदसूरती कुछ नहीं होता है, क्योंकि मच्छर तो उन लोगों को भी काटते हैं जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती। मेरे लिए स्मार्ट और गुड लुकिंग बंदा ढूंढना चाहती है, उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, बिल्कुल। यार टैलेंट तो इतना है मुझ में कि दुनिया को इधर से उधर कर दूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी वीडियो बनाने में बिजी हूं। क्यों बता दो, मुझसे कब पटोगी? यार कोई भाड़े की गर्लफ्रेंड बन जाओ, रोज शॉपिंग कराऊंगा। भाई अब तो इतना सिंगल हो गया हूं, इतना सिंगल हो गया हूं कि कस्टमर केयर में कॉल करता हूं ना तो वहां भी कोई लड़का ही फोन उठाता है। भाई अगर कभी दुनिया की सबसे गंदी चीज देखनी हो तो अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। यार मैं इतना बड़ा सिंगल हूँ कि पहाड़ों पे भी अगर आई लव यू चिल्लाऊं तो वापस से आवाज आती है, तू घर जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। यार कल मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया तो मुझे ही बोलने लगे कि भाई तूने हर लड़की का दिल चुराया है इसीलिए। यार बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? आज एक लड़की को पलट के देख लिया, खुशी के मारे जान दे दी पगली, अब तो डर लग रहा है कहीं घर पे पुलिस ना आ जाए।